संख्य रोमन नंबर वंदु एक वाक्य में उत्तर लिखिए वंदु वाक्य दली उत्तरी अदरली मदलने प्रश्ने विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था उत्तर विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र देव था विवेकानंद बाल्यद नरेंद्र देव आगे प्रश्न एरू विवेकानंद का जन्म कब हुआ विवेकानंद जन्म यू उत्तर विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ते में हुआ विवेकानंद जन्म 12 जनवरी 1863 कलकत्तादल्लि आयितु प्रश्ने मूरु नरेंद्र पढ़ने में कैसे थे उत्तर नरेंद्र पढ़ने में बड़े तेज थे नरेंद्र ओदु बरहदल्लि बहळ जानरिद्दरु प्रश्ने 4 विवेकानंद के गुरु कौन थे विवेकानंद गुरु यारु उत्तर विवेकानंद के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे प्रश्न 5 विवेकानंद अमेरिका कब गए विवेकानंद अमेरिका अथवा अमेरिका के यदर उत्तर विवेकानंद सन 1893 को अमेरिका गए विवेकानंद 1893 अमेरिका होदरु प्रश्न 6 विवेकानंद की अनुयायिनी कौन थी विवेकानंद अनुयायिनी यारागिद्दरु उत्तर विवेकानंद की अनुयायिनी मार्गरेट एलिजाबेथ थी विवेकानंद अनुयायिनी मार्गरेट एलिजाबेथ आगिद्दरु 7 प्रश्ने विवेकानंद का देहांत कब हुआ विवेकानंद देहांत यावाग आयितु उत्तर विवेकानंद का देहांत 4 जुलाई 1902 को हुआ विवेकानंद देहांत 4 जुलाई 1902 आयतु प्रश्ने संख्य रोमन नंबर 2 दो या तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए 2-3 वाक्य उत्तरी मोदलने प्रश्ने विवेकानंद ने कौन सा व्रत लिया विवेकानंद यहा व्रतवन्नु तेगेदुकोंडरु उत्तर स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के संदेश का प्रसार करना चाहा भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार किया तथा समाज सेवा का व्रत लिया 2 प्रश्न विवेकानंद के माता पिता का नाम क्या है उत्तर विवेकानंद जी के माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था और पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था 3 प्रश्न विवेकानंद जी की रुचि किन विषयों में थी उत्तर विवेकानंद जी की रुचि व्याख्यान देने और विचारों के आदान प्रदान करने में थी साथ ही कुश्ती लड़ने दौड़ लगाने घुड़सवारी करने तैरने और संगीत में भी थी नालकने प्रश्ने विवेकानंद ने भारतवासियों को क्या उपदेश दिया उत्तर विवेकानंद जी ने भारतवासियों को भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया अंधविश्वास तथा रूढ़ियों को हटाकर लोगों को धर्म और समाज सेवा का उपदेश दिया 5 प्रश्न विवेकानंद ने किन किन देशों की यात्रा की उत्तर विवेकानंद जी ने अमेरिका इंग्लैंड स्विट्जरलैंड और श्रीलंका इन सब देशों की यात्रा की 6 प्रश्न विवेकानंद जी ने जनता को ललकार कर क्या कहने को कहा उत्तर विवेकानंद जी ने भारतीयों को प्यारे देशवासियों वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ अनपढ़ निर्धन ऊंची जाति का और नीच जाति का भारतीय सब मेरे भाई हैं उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है और उनका गौरव
मेरा गौरव है ऐसा कहने के लिए कहा।